पहले ही टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज आप देखेंगे आपके फेवरेट शोज और टीवी स्टार्स को स्पेशल अंदाज में। आज देखिए टीवी स्टार आशीष शर्मा ने अपने नए शो पृथ्वी वल्लभ के लॉन्च पर एक्सक्लूसिवली किए कैसे खुलासे। आज बताएंगे आपको कपिल शर्मा कब कर रहे हैं टीवी पर वापसी। उड़ान में इमली ने क्यों चलाई रणविजय पर गोली। पिया अलबेला में नरेन के घर में कैसा हुआ हादसा। दिल से दिल तक में पार्थ और टैनी की जिंदगी में किसकी वजह से आने वाला है भूचाल। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। इतिहास भी रहस्य भी आ गया है पृथ्वी वल्लभ। सीरियल पृथ्वी वल्लभ का हुआ मुंबई में लॉन्च, जहां टीवी स्टार आशीष शर्मा ने मारी स्टेज पर एंट्री एज किंग पृथ्वी वल्लभ। टीवी स्टार आशीष शर्मा सीरियल सिया के राम में राजा राम की भूमिका में नजर आए थे। अब वो फिर एक बार एक राजा बनकर टीवी पर वापस आ रहे हैं। बड़े कमाल के राजा थे पृथ्वी वल्लभ। कमाल की उनकी कहानी थी, कमाल का किरदार है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा भिन्न सा है। ऐसा राजा आपने देखा नहीं होगा पहले, क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं कि राजा जो होते हैं वो युद्ध में विश्वास रखते हैं और ज़्यादा कॉन्करिंग में विश्वास रखते हैं। पहले ये ऐसे राजा थे जिनकी विचारधारा पीस की थी, शांति की थी, आर्ट और कल्चर की थी। तो इस तरह का एक भिन्न सा किरदार है जो आपको देखने में बड़ा मज़ा आएगा। जैसा कि हमारी टैगलाइन है इतिहास भी रहस्य भी, उसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि ऐतिहासिक किरदार है, ऐतिहासिक कहानी है, लेकिन उसे हम कह रहे हैं अपने तरीके से। तो उसके अंदर वही रहस्य है, वही मिस्ट्री है कि किस तरह से वो पूरी कहानी की जर्नी है कही गई है, किस तरह से हमने वीव किया है कैरेक्टर्स को। तो इसीलिए इतिहास भी रहस्य भी। इस शो में आशीष के ऑपोजिट नजर आएंगी टीवी स्टार सोनारिका भदौरिया, जो निभाएंगी मृणाल का किरदार। लेकिन सोनारिका को चोट लगने के कारण वो शो लॉन्च पर नहीं पहुँच पाई। आज लॉन्च में सोनारिका नहीं आ पाई, शायद उनको पैर में चोट लग गई है कल और वो चल नहीं पा रही हैं, इसलिए वो आज नहीं आ पाई। और उसके लिए मैं आई एम फीलिंग इन फॉर टुडे। शो पृथ्वी वल्लभ को बड़े ही ग्रैंड स्केल पर बनाया गया है और आशीष ने भी अपने लुक से लेकर शो में अपनी परफॉर्मेंस पर की है काफी मेहनत। मेहनत बिल्कुल बहुत ज़्यादा होती है इनमें, क्योंकि इसमें थोड़ी और ज़्यादा है, क्योंकि एक्सटेंसिवली फिजिकल शो है बहुत। और हर दूसरे दिन हम कुछ ना कुछ एक्शन, कुछ स्टंट, कुछ फिजिकल, कुछ करना कुछ ऐसा कर रहे होते हैं। मेहनत ज़्यादा होती है लेकिन उसका मज़ा उतना ही ज़्यादा होता है, क्योंकि हर रोज़ कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग करने को मिल रहा होता है आपको। सो एक चाइल्ड लाइक एक आपके अंदर एक एंथुजियाज्म रहता है हर रोज़ कि आज कुछ नया करने को मिलेगा। एंड देन यू गेट अप एवरी मॉर्निंग एंड यू गो टू शूट ओनली बिकॉज ऑफ दिस एक्साइटमेंट ऑफ द थ्रिल। बहुत समय लगा, बाल पूरे इतने लंबे किए, दाढ़ी मूछ बढ़ाई, फिजिकली काफ़ी ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को, तो वज़न बढ़ाया इनफैक्ट। और चूँकि नॉर्मली हम टीवी में देखते हैं कि फिल्म्स में भी देखते हैं कि जो भी इस तरह के किरदार होते हैं उनके एक तरह की बॉडी होती है, एक तरह का फिजिकल इमेज हम देखते हैं। पर यूजुअली वो जो इमेज है वो बहुत ही ग्रीक इंस्पायर्ड, वेस्टर्न इंस्पायर्ड फिजिक है। हमारे स्क्रिप्चर्स में ऐसी बॉडी नहीं दिखती है, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे थोड़ी सी देसी पहलवान की फिजिक है और उसमें इंडियननेस है, हिंदुस्तानी एक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। और सो उसी के ऊपर कुछ 5-6 महीने लग गए उस पूरी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने में, बाल दाढ़ी बॉडी, और यही 5-6 महीने का एफर्ट है उसके पीछे। शो की कहानी है मालवा के राजा पृथ्वी वल्लभ पर आधारित, जो एक पोएट हैं, म्यूजिक लवर हैं और वो एक वॉरियर भी हैं, लेकिन वो जंग करना पसंद नहीं करते हैं। पर जंग के दौरान ही उन्हें मिलता है उनका प्यार, जो है मृणाल, जिस किरदार से सोनारिका टीवी पर वापसी कर रही हैं। वेल शो का ट्रेलर और मुंह दिखाई तो बहुत ही बढ़िया थी। अब देखना ये है कि ये शो दर्शकों को कितना पसंद आता है। वीडियो जर्नलिस्ट जबीर अहमद के साथ शांतनु भटनागर, जूम मुंबई। 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप।
जल्द ही टीवी पर वापस आएगा कपिल शर्मा का शो। जी हाँ, कपिल शर्मा का शो कई सारी कॉन्ट्रोवर्सीज के चलते बंद हो गया था, लेकिन अब वो जल्द ही टीवी पर वापस आएगा। कपिल शर्मा के लिए साल 2017 कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि एक तो उनका शो बंद हो गया और उनकी फिल्म फिरंगी भी फ्लॉप रही। लेकिन साल 2018 में कपिल के फैंस के लिए है खुशखबरी, क्योंकि उनका शो जल्द आने वाला है और इसकी जानकारी जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए चैनल के प्रोग्रामिंग हेड दानिश खान ने दी। लगातार हमारी बात चल रही है कपिल शर्मा के साथ, प्लान है बहुत जल्द से जल्द आने का, शायद कुछ हफ्तों में ही हम अनाउंसमेंट करें कपिल शर्मा शो का। कपिल का शो कई सारी कॉन्ट्रोवर्सीज का शिकार हुआ था। जी हाँ, एक तो कपिल की उनके साथ उनके शो में काम कर रहे मशहूर गुलाटी यानी कॉमेडियन सुनील ग्रोवर से झगड़ा हो गया था, और फिर झगड़े के बाद सुनील ने उनका शो छोड़ दिया था, और साथ ही कॉमेडियन अली असगर और शो के क्रिएटिव प्रीति सिमोइज ने भी शो छोड़ दिया था। फिर खबरें ये भी आई कि कपिल डिप्रेशन में आ गए हैं और उनकी खराब तबीयत के चलते उन्होंने कई शोज की शूटिंग कैंसिल भी कर दी और बॉलीवुड की कई हस्तियों को इंतजार करके वापस लौटना पड़ा। कपिल शर्मा का शो ऑफेयर इसलिए हुआ था कि उनका तबीयत ठीक नहीं था। वेल, कपिल के शो की वापसी के साथ साथ टीवी पर जल्द ही वापस आएगा रियलिटी गेम शो 10 का दम, जिसे पहले सलमान खान होस्ट किया करते थे। अब कई सालों बाद शो वापस आने वाला है और सलमान खान का शो बिग बॉस भी खत्म होने वाला है, तो लगता है अब सलमान 10 का दम में फिर से नजर आएंगे। इस खबर से ये बात तो तय हो गई है कि जल्द ही दर्शकों को मिलेगा एंटरटेनमेंट का फुल डोज विद द कपिल शर्मा शो एंड 10 का दम। वीडियो जर्नलिस्ट जबीर अहमद के साथ शांतनु भटनागर, जूम, मुंबई। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। इमली ने उठा ली है बंदूक और मार दी है रणविजय को गोली। जी हाँ, सीरियल उड़ान में इमली देवी का आतंक बढ़ता ही जा रहा है और आज तो इमली ने अपने ही साथ ही रणविजय पर चला दी है बंदूक। इलेक्शन सर पे है और मैं चाहती हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा वोट मिले और मैं मंत्री बनूँ, तो अगर मैं उल्टी चीजें करूँगी तो मैं नहीं बनूंगी, इसलिए मैं रणविजय जी को गोली मार के उन्हें समझाती हूँ कि आप ऐसी स्टूपिड चीजें मत कीजिए। वेल, इमली ने कहा था रणविजय को कि छगन जो इनकी जासूसी करता है उसको पकड़कर मार पीट करे समझाने के लिए, लेकिन रणविजय उसको जान से ही मारने वाला था, जो इमली नहीं चाहती है। एक तरफ इमली और रणविजय का ये ड्रामा चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूरज के व्यवहार में आ गई है नरमी। आज सूरज चकोर की यादों को याद करने की कोशिश कर रहा है और चकोर वहां आकर उससे बीती बातें याद दिलाने में मदद भी करती है, पर यहां चकोर से ये बातें हैं सिर्फ सूरज का वहम। पर असलियत में भी चकोर पहुंच जाती है मंदिर पूजा के लिए, जहां दिखता है सूरज और चकोर का अनोखा कनेक्शन। भाई, अब तो बस फैंस यही चाहते हैं कि बस सूरज की याददाश्त वापस आ जाए और सूरज और चकोर फिर से साथ साथ हो जाएं। वीडियो जर्नलिस्ट जबीर अहमद के साथ शांतनु भटनागर, जूम, मुंबई। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। नरेन के घर में हुआ एक हादसा, हवन करने आए गुरुजी के कपड़ों में लग गई है आग। भला कैसे लग गई गुरुजी के कपड़ों में आग? क्या नरेन और पूजा बुझा पाएंगे इस आग को? दरअसल कई साल बाद आए हैं घर में गुरुजी और वो करवा रहे हैं घर में हवन, ताकि सारी परेशानियां दूर हो जाएं और घर में शांति बनी रहे। हरीश जी ने घर में हवन रखवाया है और वो चाहते हैं कि पूजा और नरेन इस हवन में बैठें और
सारी जो प्रॉब्लम्स है जो वो सेंस कर पा रहे थे हरीश जी, वो सारी ख़त्म हो जाए। और इस हवन में पर्पसली बुआ जी को दूर रखा गया है, और ऐसे कोई भी लोग जिनके घर में प्रॉब्लम चल रही हो, जैसे कि बुआ जी के हस्बैंड जो हैं वो जेल में, तो उन सब लोगों को दूर रखा गया है। कहते हैं कि उनको अशुद्धता का एकदम से उनके स्पर्श से ही पता चल जाता है, तो इसीलिए बस अभी नरेन और पूजा हवन में ही बैठे हैं, और पूजा बस यही ट्राई कर रही है कि नरेन का स्पर्श ना हो गुरु जी के साथ। पैर छूते समय भी गुरु जी को एकदम पता चल गया था कि यू नो देयर समथिंग रॉन्ग वाइब्रेशंस आई, तो इसीलिए उन्होंने नरेन को किक कर दिया। बस पूजा इसी टेंशन में कहीं वो भेद ना खोल दें और कहीं वो उनके सामने ये ना बोल दें कि मुझे तो इससे गलत वाइब्रेशंस आ रही है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिम, और पता ना चल जाए, बस भेद ना खुल जाए। हवन में पूरा परिवार शामिल होता है। हवन में पूजा और नरेन भी बैठे हैं हवन के लिए साथ साथ, लेकिन नरेन अब भी है पूजा से नाराज, इसीलिए आहुति देते वक्त झटक देते हैं पूजा का हाथ। वेल, नरेन को बहुत गुस्सा है और नरेन गुस्से में हवन खुद में डाल देता है घी की पूरी कटोरी। बढ़ जाती है हवन कुंड में आग और लग जाती है गुरुजी के कपड़ों में। गुरुजी को हो जाता है स्पर्श करने से ये एहसास कि क्या हो रहा है घर में गलत, इसीलिए पूजा नहीं चाहती है कि नरेन करे गुरुजी को स्पर्श। आग लग गई और उसमें भी पूजा को बस यही टेंशन थी कि बचाते बचाते कहीं नरेन गुरुजी को डायरेक्टली टच ना कर ले, इसीलिए उसने फटाफट कंबल जो है दूर से ही एम किया और फेंक दिया गुरुजी पे, और वो कंबल में लपेट के उनको नरेन लेके गए, तो शी वॉज रिलीव। गुरुजी के आने से हो जाएगा सब ठीक या हालात हो जाएंगे और गंभीर, ये तो वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जबीर अहमद के साथ शांतनु भटनागर, जूम, मुंबई। तीस मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। टेनी और पार्थ की शादी में एंट्री हुई शौर्बरी की। जी हां, वही शौर्बरी जो थी पार्थ की बेटा हाफ, और सीरियल में हो चुकी थी जिसकी डेथ बड़ी ही मुश्किलों के बाद। जब पार्थ और टेनी की हो रही है शादी, तो शो में आ गया ये शौर्बरी के री एंट्री वाला ट्विस्ट भी। इस शादी को अब कोई नहीं रोक सकता। ट्विस्ट से बेटर वर्ड होगा यूज करना, द दिलचस्प रिश्ता किस नए मोड पे आ जाए, क्योंकि इट वाज ऑलवेज अबाउट द दिलचस्प रिश्ता बिटवीन दीज थ्री पीपल। तो अब ये तीनों जो डिफरेंट इक्वेशंस बन गए रिलेशनशिप में, कैसे डील करते हैं एक दूसरे से, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे तो यहाँ रश्मि देसाई नहीं आई, मगर इस सीन के लिए उनकी ड्यूप से ही काम चलाना पड़ा। वेल, ये तो रही सीरियल में आने वाले नए ड्रामेटिक ट्विस्ट की बात, मगर जरा टेनी की तरफ भी देखिए। आज शादी के जोड़े में टेनी लग रही हैं बेहद ही खूबसूरत। और जैस्मिन से पार्थ की दुल्हनिया टेनी बनने तक का पूरा प्रोसेस जैस्मिन ने एक्सक्लूसिवली हमारे साथ शेयर किया। तो अभी मैं आधी दुल्हन बनी हूँ, मेरी मेहंदी ऑल डन है, मेरा हेयर स्टाइल ऑल डन है, मैंने ये गुजराती स्पेशल चूड़ा होता है, पंजाबियों का अलग होता है, गुजराती का अलग होता है, उसमें ग्रीन वाइट रेड तीनों कलर्स होने ज़रूरी होते हैं, वो पहन लिया है, और फाइनल अभी ज्वेलरी सर का दुपट्टा वो सब बाकी है। फाइनली टेनी अपने ब्यूटीफुल आउटफिट और हैवी ज्वेलरी के साथ करके श्रृंगार बन गई है ब्यूटीफुल दुल्हनिया। वेल, पहली नजर में टेनी के इस ब्राइडल लुक को देखने पर ये दुल्हनिया कुछ कुछ पद्मावती की अवतार में नजर आई, तो इस पर क्या कहना था टेनी का, आइए आपको सुनाते हैं।
पद्मावती है बट ये रेफरेंस था हार का विच आई थिंक इज़ वेरी प्रिटी. आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ द दुल्हन अटायर आई थिंक आई लाइक दिस बैंगल द मोस्ट एंड ऑल्सो द ज्वेलरी आई लाइक द ज्वेलरी ज्वेलरी इज़ वेरी प्रिटी. अब जब दुल्हन है तैयार तो पार्थ भी पहुंच गए हैं टैनी के द्वार बारात लेकर और फिर शुरू हुई पार्थ और टैनी की शादी की सारी रस्में. जी हां, पार्थ ने अग्नि को साक्षी मानकर टैनी को पहनाई वरमाला और फिर साथ फेरे लेकर बनाया टैनी को अपना जीवन संगिनी. वेल, पार्थ को टैनी से और टैनी को पार्थ से प्यार भी हो गया और दोनों की अब शादी भी हो गई. मगर शोरबोरी की ये री एंट्री इनको न्यूली मैरिड लाइफ में क्या धमाल मचाएगी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा. वीडियो जर्नलिस्ट हरिंद्र शर्मा के साथ हरी कृष्ण दुबे, जूम, मुंबई. कमिंग अप ऑन द शो, ससुराल सिमरका में पीयूष ने क्यों की खुद के हाथ की नस काटने की कोशिश. 30 मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप. सीरियल ससुराल सिमरका में आज एक बार फिर टूट गया पीयूष का दिल और खो दिया उन्होंने अपना मानसिक संतुलन. दरअसल आज भारद्वाज हाउस में पहुंची है पुलिस देने खबर कि रोशनी वाकई में मर चुकी है और उनकी बॉडी नहीं मिल रही है. ये सुन सभी परिवार वाले हो जाते हैं शॉक्ड और छा जाता है घर में मातम. अभी तक हम ढूंढ रहे थे क्योंकि एक कहीं ना कहीं ये होप अलाइव थी दिमाग में कि वो अभी जिंदा है, आलिया उसको लेकर गई है, हम उसको बचा सकते हैं, वापस ला सकते हैं. लेकिन अब कहीं ना कहीं हमने देख लिया है कि वो क्लिफ से गिर गई है. अब ये नहीं पता है कि वो जिंदा है या अब शी इज़ नो मोर. बट कहीं ना कहीं जब आप कोई आपका बहुत करीबी इंसान होता है जिससे आप बहुत प्यार करते हो वो दूर हो जाता है आपसे, तो आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो कि वो इंसान दूर हो गया. और तब जाकर कई बार क्या होता है, मेंटली इम्बैलेंस हो जाता है. वही आई थिंक पीयूष को अभी होने लगा है कि वो चाहता है कि बस किसी तरीके से रोशनी को ढूंढ के मैं वापस ले आऊँ. वो जहाँ पर भी है अभी भी उम्मीद यू नो जिंदा है कि जंगल में ही होगी, वो कहीं पर गुम गई होगी, शायद उनको मिली नहीं है. एंड डज नॉट वांट टू एक्सेप्ट कि अब रोशनी इज नो मोर. वहीं पीयूष पुलिस पर ही हो जाते हैं गुस्सा कि उनकी रोशनी को कुछ नहीं हुआ है, वो जिंदा है और वो खुद उसे वापस लेकर आएंगे. मगर घर वाले नहीं चाहते कि पीयूष जाए. तभी पीयूष घर वालों को डराने के लिए उठा लेते हैं नाइफ और अपनी नस काटने जाते ही हैं कि सही वक्त पर प्रेम और सिमर पीयूष को पकड़ लेते हैं और जैसे तैसे उसके कमरे में लेकर जाते हैं. काटने की कोशिश की पर घर वालों ने रोक लिया. हमारे घर वालों को काफ़ी एक्सपीरियंस है ऐसी चीज़ों में, लेकिन उन्होंने रोक लिया मुझे और मैं उनको भी चिल्लाने लगा उन पर कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे जाने दो. लेकिन वो समझ गए कि आई थिंक अभी पीयूष को भी ध्यान देने की ज़रूरत है वरना ये भी थोड़ा सा कहीं भी जा सकता है, पागल हो सकता है. तो आई थिंक दे ट्राइंग टू कंट्रोल हिम डाउन. पीयूष तो पूरी तरह से टूट चुके हैं लेकिन पीयूष को इस हालत में देख सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है सिमर को. देखिए कैसे वो खुद को लाचार महसूस कर रही है. माँ कोई भी हो बहुत उनको ज़्यादा दर्द होता है, जितना बच्चे को दर्द होता है उससे ज़्यादा माँ को दर्द होता है. और रोशनी और पीयूष को बचपन से उन्होंने ही बड़ा किया. जब माँ काम करती थी कपूर उसके यहाँ पे एंड वो पूरा जो वो था, तो बचपन से उनके लिए वो बच्ची जैसी थी और बेटा भी अब ऐसा हो गया. तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये है कि बच्ची को तो खो ही दिया और पीयूष को भी यू नो ही इज़ ऑल्सो लूजिंग हिज माइंड, तो कहीं ना कहीं उनके लिए दर्द बहुत ज़्यादा बड़ा है. एंड वो कोशिश कर रही हैं कि उसको संभालें और ख़ुद को भी संभालें क्योंकि सब कुछ एट द एंड ऑफ द डे माँ के कंधों पर ही आ जाता है सारा बोझ. इतना ही नहीं, पीयूष को कमरे में बंद कर प्रेम वापस आकर सबको कहता है कि पीयूष को दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है क्योंकि इस वक्त वो बिल्कुल अपना संतुलन खो चुका है. मगर सिमर ने साफ साफ कर दिया इनकार कि उनका बेटा मेंटल हॉस्पिटल में हरगिज नहीं जाएगा. वीडियो जर्नलिस्ट हरिंद्र शर्मा के साथ हरी कृष्ण दुबे, जूम, मुंबई. मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप. फॉर ऑल द गरमा गरम बॉलीवुड गॉसिप न्यूज एंड मोर, डाउनलोड द जूम ऐप नाउ.